Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, beta. Hey guys, कैसे तुम? I hope आप सब ठीक होगे। फिलहाल guys, टाइम सुबह के 9 बजने वाले हो चुके हैं और फिलहाल आज बहुत खास दिन है मेरे लिए क्योंकि आज है आपके भाई का बर्थडे। कोई गाइस आंख करके मेरे को जश्न पाना पड़ रहा है अपना। वैसे तो गाइस सबने मेरे को बर्थडे विश कर दिया है, पर फिर एक बार सबसे सुनना चाहूंगा बर्थडे विश। तो यहाँ मेरे बहुत तेज हो रहा है, तुम खड़े हैं इससे बर्थडे। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. बस बहुत दर्द हो रहे हैं। चलो मैं एक एक करके आना चलते हैं, फिर सबसे एक एक करके सुनेंगे बर्थडे विश। तो ये बैठे हैं दादा। Happy birthday to you. Happy birthday. मेरे को देख के बोलो। कितनी देख रहे हो और क्या करना है? आप कैमरे में देख रहे हो। हैप्पी बर्थडे टू। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांग रहा हूँ बर्थडे के लिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? बर्थडे विश करो मेरे को, बर्थडे विश करो। ये रे दादी। हैप्पी बर्थडे टू टू। हैप्पी बर्थडे करना है। हैप्पी बर्थडे टू करण कहाँ से आ गया? मेरा नाम अभी है, अभी अभी। हैप्पी बर्थडे टू टू टू। साफ ना आने रही है, साफ करना। अब ठीक है, अब पीछे रोशनी आ रही है ना। हैप्पी बर्थडे टू। लोग भी परेशान हो जाएंगे, कितना बर्थडे बोल रहे। बहुत उम्र हो बे मेरा बच्चा, खूब पढ़ाई करे मेरा बेटा। तो लोग ऐसे पापा के पास चलते हैं। पापा इधर फोन में लगे हुए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। और खुश रहो, बढ़िया पढ़ो आप। और पेपर आ गए आके, अच्छे से नंबर लेके आना बेटा, फिर आपको मैं गिफ्ट दूंगा। क्या? कुछ भी दे सकता हूँ। आईफोन 14 प्रो मैम। नहीं नहीं भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी प्राइस इतना बढ़ेगा इतनी। फिलहाल तो गाइस मैं सबके इधर मैसेज के रिप्लाई करते करते थक चुका हूं। यहां पे बहुत मैसेज आ रहे हैं और अभी भी मैसेज आ रहे हैं। वीडियो इधर स्टार्ट है और सारे मैसेज आई जा रहे हैं मेरे को वीडियो के, उसमें व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पता नहीं मेरा क्या चल रहा होगा, तो व्हाट्सएप पे जिसके आ रहे हैं मैं तो उसको रिप्लाई कर दे रहा हूं, स्टेटस लगा दे रहा हूं मैं, और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। इंस्टाग्राम पे पता नहीं आ रहे होंगे तो भैया रिप्लाई कर देगा उनका। फिलहाल तो भैया सो रहा है। इस टाइम मैं ब्रश करता हूं और फ्रेश होके चलते हैं मंदिर, वहां पे जाके पूजा करके आएंगे और जल अर्पण करके आएंगे। इतना मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है, पर चलते हैं। बस आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं फ्रेश होके। बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फिलहाल गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार और इस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ मेरे पापा वाले फ़ोन से, बिकॉज क्योंकि आज मेरे को पता नहीं 8:30 के बजे फ़ोन आया होगा मेरे दोस्त का। उस टाइम तो मैं सो रहा था, तो इस फ़ोन से अब मैं करूँगा दोस्त को फ़ोन। तो देखते हैं क्या बोलता है मेरे को। तो ये मैं इस वाले फ़ोन से शूट कर रहा हूँ पापा वाले से। तो ये मैंने फ़ोन लगा दिया दोस्त को, स्पीकर पे रखता हूँ। रिंग जा रही है। हम मैसेज भी आ रहे हैं ऊपर ऊपर, हैप्पी बर्थडे के मैसेज आ रहे हैं। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भैया क्या कर रहे हैं? हाँ उस टाइम मैं सो रहा था। अच्छा, हाँ बस अभी मैं नहा धो के तैयार हुआ हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। चलना मैं ना है। अच्छा चल ठीक है, मैं बस तैयार हो गया था अभी, कुर्ता पजामा पाया था मैंने, तो बस जा रहे लगा हूँ मंदिर। कोई उठा ही नहीं मेरा भाई। खाली रोटी रोटी ना हले की दिखाई। और फिर पार्टी क्या मिल रही? पार्टी देखते हैं आज, यू करते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं कैसे। ओके ठीक है, बाय बाय। मंदिर जाने से पहले जो अपने घर का मंदिर है वहाँ मत्था टेक के जाते हैं, तो देख लेते हैं। फिर उसके बाद बाइक बाहर खड़ी कर ली है मैंने।
बल्कि बाइक भी लेंगे। चलो अब चलते हैं मंदिर। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर, और ये मंदिर में मैं एंटर कर चुका हूँ, तो बस चलते हैं फटाफट अंदर। धागा मतलब साथ उन्होंने दिया मेरे को प्रसाद और फूल। फिलहाल तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। फिलहाल अब चलते हैं घर बाइक फटाफट लेके। A few inches later, गाइस टाइम 5:30 होने वाले हो चुकी है। मैं हो चुका हूँ, कपड़े खोल लिए थे मैंने, मतलब मैं आया था मंदिर से, अपना खाना पीना खा के मैंने कपड़े खोल के मैं चला गया था पढ़ने, क्योंकि कल मेरा कल है पेपर इंग्लिश का, तो मैं चला गया था पढ़ने के लिए। फिर अपना आराम से मैं पढ़ा 2-3 घंटे अपना बैठ के। तो बस अब थोड़ी देर में वीडियो की एडिटिंग करके हटाऊँ मैं। अभी मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग है जो पेंडिंग है, उसकी वीडियो की एडिटिंग करी है, और टाइम को पता ही चला कब 5:30 हो गए। मैं सोच रहा था 5 बजे उठूँगा अपना, और अपना आराम से तैयार होकर निकलूँगा। बस ही तैयार होते होते भी 5:30 हो गए हैं, अब ब्लॉग शूट करूँ आगे का। तो चलते हैं बाहर फटाफट, और लवली मिलता है तो लवली को लेकर चलते हैं बाहर कहीं खाने के लिए कुछ, और अपना चश्मा पा लेते हैं। अब ठीक है ली आ चुका है, इसको मैंने कब से फोन करा हुआ था। आगे तेरी अब और भी बंदे आ चुके हैं। तेरे रुपिंदर गांधी पहले बर्थडे की पार्टी। हाँ मैं बुलाने लगा था, चला जाए ना पते, मतलब इन्होंने केक कहाँ से भाई हैं लेके आए थे, ट्यूशन की बंक मारी थी स्पेशल है, मतलब बंक करके ये चीज़ लेके आए। ओ माई गॉड इतना कुछ, यहाँ केक, यहाँ जूस है, और ये क्या है, रोल मोमोज। हाँ। थोड़ी फोटो भी खींच लेते, और केक, और उस पर क्या लिखा है, गांधी। हाँ। फिलहाल गाइस हम पहुँच चुके टीढ़े हैं, मैंने सोचा गली में गंद पाने से अच्छा यहाँ थोड़ा सा गंद पड़ जाएगा तो कोई नहीं, बाद में साफ सुफ कर देंगे। तो चलो केक कटिंग करते हैं, उससे पहले दोस्त को भी जरा फोन करते हैं और लाइव कॉल चलते हैं उनके पास। लाल गाइस सबने केक कट हो चुका है, खाना भी ना खा लिया है, और जो सामान लेके आया था साथ लेके ही जा रहे हैं इधर से, बस ये बचा रहा इतना तक केक रह गया, ये तो हम यहाँ पे झुग्गी वालों को दे देंगे बच्चों को, तो उनसे कहने जा रहा। और जैसे हमें नसीब होती है चीज़ें, उनको नसीब नहीं होती, तो हम दिल बार दिलदार बंदे हम उनको दे देंगे। एक एक आपस में बांट के खाना, ठीक है, आपस में जितने भी बच्चे हो ना उनको दे दो और खुद भी खा लो। जो काम था वो हो चुका है, बच्चों को केक देना था, दे दिया। अब चलते हैं फटाफट घर, यहाँ से घर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी कुछ काम से कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ घर वालों के लिए। मैंने कहा घर वालों को भी कुछ खिला देते हैं ना, इनके पैसों से इनको खिला में जाकर कर रहा हूँ। पहले छोटे होते घर पर सेलिब्रेट करते थे, जैसे बड़े हुए बाहर जाने लगे। अभी तो मैं इतना बाहर ही जाता, सिंपल अपने एक गली का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ जाके कुछ खा पी आते हैं। पिछली बार तो मैं मॉल गया था, और इस बार नहीं गया मैं, पर नेक्स्ट टाइम पक्का जाऊंगा। कोई नहीं, इसका बर्थडे भी आ रहा है 12 तारीख को, तो उसके बर्थडे भी जरूर जाएंगे और धमाल करके आएंगे। वो ब्लॉग देखना आप 12 तारीख को ही, जब भी 12-13 जब भी आएगा। फिलहाल चलते हैं कुछ लेके आते हैं घर वालों के लिए, साथ में अभी कुछ खाया आता हूँ, तो साथ लवली जा रहा है, तो चलते हैं गो। खोला जाए पिज़्ज़ा अपना, तो पहले सेट करो खुल जा प्रावा। तो पिज़्ज़ा आ चुका है अपना, पनीर वाला पिज़्ज़ा है, तो आपको टेस्ट करके बताता हूँ किस तरीके का है ये। थोड़ा ठंडा हो गया गाइस, ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ, मतलब मीडियम सा है, पर टेस्ट भी है खाने में। वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे चैनल का नाम है ध्रुव शर्मा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तभी लिए बाय, 2 मिनट।